उनको तबियत खराब लग रहा है वी आर रिक्वेस्टिंग प्लीज फॉर नमस्कार स्वागत है आपका जीएमडी न्यूज की खास पेशकश मीडिया पर प्रहार में मैं हूं अनुराग सक्सेना जैसा कि आज की हम बात करें तो मुंबई में यानी महाराष्ट्र के मुंबई में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर मीडिया पर प्रहार हुआ है प्रेस की आजादी पर प्रहार हुआ है जी हाँ मैं बात कर रहा हूं आज जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने एक एक कारनामा कर दिखाया है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के खातों की कठपुतली बनकर वो सीधा सीधा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है प्रेस की आज़ादी पर हमला है आज सुबह रिपब्लिक टीवी इंडिया के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और सबसे बड़ी बात दो के एक पुराने मामले पर गिरफ्तारी की गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने वहां ये कारनामा किया जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया क्या वो सही था क्या मीडिया पर प्रहार करना सही क्या खिलाफ बोलना क्या किसी केस को किसी मुद्दे को उठाना आवाज उठाना आम जनमानस की आवाज को उठाना सही नहीं है क्या ये सबसे बड़ी अवधारणा है जो आज के घटनाक्रम में सामने आई है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ हैं कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित जी दूसरी तरफ मेरे साथ हैं संवाददाता राहुल मिश्रा जी आप दोनों का हार्दिक स्वागत है सबसे बड़ा सवाल जो आज है अवनीश जी सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है लगातार हम देख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी यानी रिपब्लिक टीवी जो आवाज़ उठाता जा रहा है कहीं ना कहीं पालघर के मॉब लिंचिंग के मैटर को लेके या फिर देखा जाए सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर दिशा सालियान के मामले को लेकर जिस तरीके से देश की आवाज़ को उसने दिखाने की कोशिश की है हर एक पहलू से हर एक पर्दे से हर एक जगह से उसने पर्दा हटाने की कोशिश की है क्या ये जो आज कार्रवाई की है मुंबई पुलिस ने क्या वो सही है इस पर जब आपसे पूछूंगा सवाल देखिए अघोषित इमरजेंसी जी जो लागू हुई थी उस वक्त शायद हम पैदा भी नहीं हुए होंगे और किताबों पढ़ी थी सुनी थी देखी नहीं थी वो आज महाराष्ट्र सरकार ने दिखा दी किस तरह सच दिखाने बोलने की सजा दी जाती है और ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है आपातकाल कहिए इसको शुद्ध हिंदी में आपातकाल है तो जब, जब तर... स्वामी ने जी। सही बात की दिखाई सही बात दिखाई तब तब उसके साथ इस तरह के मामले मामले किए गए। और आज जिस मामले में पुलिस उसके घर गई और जिस तरीके से उसने व्यवहार किया वो किसी साधारण आदमी के साथ भी निकलने का अधिकार पुलिस को नहीं है मानवाधिकार आयोग बड़ी बड़ी बातें करता है और हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कहते हैं हर एक की शिकायत पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो अर्नब गोस्वामी का मामला क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं दिख रहा है क्या मानवाधिकार आयोग को नहीं दिख रहा है क्या अर्णव गोस्वामी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है भले वो एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हों सी हों एक पहले वो एक सामान्य व्यक्ति भी हैं लेकिन सवाल ये उठता है अवनीश जी कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है ये बात सामने आई है क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई है निंदा हर तरफ हो रही है बीजेपी के लोग हों या फिर देश के जनमानस हो साधु संत हो उन्होंने कहीं ना कहीं इसके पीछे इसके पीछे जो मंशा है उद्धव सरकार की उसको निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि उसकी आज़ादी तुरंत आज़ाद कर देना चाहिए अर्णब गोस्वामी को लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की अर्णब गोस्वामी ने देश के सामने एक एक स्टिंग ऑपरेशन की बात की गई वीडियो सामने हमारे आए एक एक प्रूफ सामने सबूत सामने रखे गए चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो पालघर की आवाज़ हो साधु संतों को वहाँ पर भीड़ ने जिस तरीके से मारा वो आवाज़ हो या उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या के मामले को सीधा सीधा जिस तरीके से चुनौती दी गई उद्धव सरकार को उस मामले में ये जो अब बदला लिया जा रहा है क्या ये प्रेस की आज़ादी के खिलाफ कही कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं है कार्रवाई नहीं है हमला है प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है प्रेस को जो वास्तव प्रेस का शब्द होता है ना दबाव वो दबाव उल्टा बनाया जा रहा है प्रेस पर सच मत दिखाए सच मत बोले लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर जाएगा सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी मैं तो कहता हूं कि इन सरकार अभी तक क्यों चुप्पी साधे बैठी है प्रकाश जावड़ेकर साहब बड़ा व्यक्त कर रहे हैं संबित पात्रा शोक व्यक्त कर रहे हैं ये हो गया वो हो गया आखिर आप सत्ता में बैठे हैं आप केंद्र सरकार में आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है मुंबई में बिल्कुल अमित शाह भी इस निंदा कर चुके हैं स्मृति ईरानी कर चुकी है जितने भी कानून मंत्री हों या फिर पेट्रोलियम मंत्री हों अमित शाह गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर एक अपना विरोध जताया है लेकिन क्या सिर्फ विरोध जताना काफ़ी है क्योंकि तो समाज का जो चौथा स्तंभ है जो मायने रखता है जिसकी बात की जाती है लोगों की लोगों की आवाज़ बनने की बात की जाती है अगर इस आवाज़ को ही दबाया जाएगा गला घोटने की कोशिश की जाएगी तो वो किस हद तक सही रहेगा देखिए चोर चोर मौसेरे भाई हैं सभी राजनीतिक दल और मैं कहने को बिल्कुल गुरेज नहीं करता चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की राजस्थान की बिहार की या महाराष्ट्र की जो सप्ताह में होता है वो मीडिया को अपनी बापौती समझता है जिस चाहे तरीके से चाहे यूज करेगा जो चाहे दिखाएगा जो चाहे छपवाएगा लेकिन अरनों ने यह नहीं किया उसकी सजा अरणों को जो दी गई कहीं ना कहीं आज के और प्रेस के इतिहास में एक काला दिन घोषित करना चाहिए किस तरीके से एक प्रखर और मुखर पत्रकार के घर में घुस कर पुलिस ने जो व्यवहार किया एक डीसीपी स्तर एक एक के अधिकारी एक दुर्व्यवहार कर रहे हैं मारपीट कर रहे हैं परिवार भी होगा बच्चे भी होंगे पत्नी भी होंगी, नौकर भी होंगे क्या उसको मानसिक आघात नहीं पहुंचा होगा कि वही अधिकारी कल तक उसके सामने सलूट ठोकते थे कल तक जी हजूरी करते थे और जब सरकार बदली तो आज वो दुश्मन बन के आ गए उद्धव ठाकरे जी को मैं खुला चैलेंज करता हूँ अगर जरा से भी उनके अंदर बहुत इंसानियत बाकी है तो इस तरह कोई कर उत्तर प्रदेश के अंदर करके देखें उत्तर प्रदेश का मीडिया उन्हें बता देगा कि उद्धव ठाकरे तुम एक तरफ हो और पूरा भारतवर्ष का मीडिया एक तरफ है और खासकर मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ कानपुर के कोई अधिकारी कितना ही पावरफुल हो किसी सत्ता में किसी उसमें बैठा हो कितना बड़ा नेता हो कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो कानपुर किसी पत्रकार के साथ तो बारिश की पटकथा साथ गलत करके देख ले उसको अंजाम 4 घंटे में मिल जाएगा उसका राहुल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब एक मीडिया कर्मी बनता है मीडिया कर्मी बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है समाज के सामने सच लाने की लेकिन जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम ने सच को सामने लाने की जद्दोजहद की है मेहनत की है चाहे वो कोई भी मुद्दा हो क्या इस तरीके से वहाँ पर आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरीके से ये कृत्य किया गया है वहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया वहाँ मारपीट की गई अर्णब गोस्वामी खुद स्टेटमेंट देते नज़र आए कि उनके बच्चे के साथ मारपीट की गई ये एक साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस की नाकामी भी है और पुलिस की गुंडागर्दी भी है जी बिल्कुल अनुराग जी जिस तरीके से मैं इस समय पत्रकारिता को देख रहा हूँ कि किस तरीके से आर्नब गोस्वामी के घर जाकर के उनको फिजिकल असोल्ट किया गया उनकी पत्नी के सामने जब लाइव वो चल रही है उस समय उनके बेटे के साथ अभद्रता की गई और एक पत्रकार को अगर इस तरीके से छीटा घसी करी जाएगी इसलिए कि पत्रकार एक समाज का आईना है इसलिए कि पत्रकार जनता की आवाज उठाता है इसलिए कि पत्रकार समाज से लेकर के सरकार तक वो प्रश्न पहुंचाता है जो जमीनी स्तर पे कार्य नहीं हो रहे अगर सच्चाई को उठाने के लिए पत्रकारों के साथ इस तरीके से कुठारा घात होगा इस तरीके से डराने धमकाने का क्रत होगा उनके घर सुबह छह बजे जाना जी। और इस तरीके से उनके परिवार के सामने उनके साथ अभद्रता करना वो अंदर आने के लिए अनुमति मांग नहीं रहे हैं वो सीधे अंदर चले आ रहे हैं धक्का दे करके बाल पकड़ के उनको लेके जाना सरकारी जीप में बैठा देना वैन में बैठा देना जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी को पकड़ लिया हो दाऊद के गढ़ महाराष्ट्र में जहाँ बॉलीवुड पूरा एक तरीके से आतंकवाद पनपा रहा है वहां से लेके जा रहे हैं इसका मतलब आने वाले समय में पत्रकारिता जाएगी कहा? आप अन्य पत्रकारों को डराने का प्रयास कर रहे हैं अन्य पत्रकारों को आप ना कहते हुए ये चेता रहे हैं कि पत्रकारिता करोगे तो इस तरीके से भोगना पड़ेगा तो मैं यही कहूंगा कि जो रहीम ने कहा था कि ज्यो धर देनी चदरिया हम पत्रकार करते क्या है समाज का आईना है अगर हमको इस तरीके से करोगे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर इस तरीके से उखाड़ के फेंकने लग जाओगे तो कहाँ जाएगी पत्रकारिता और कहाँ कहलाया जाएगा भारत पुनः वो सोने की चिड़िया मैंने कल भी कहा था मैं आज भी कह रहा हूँ पत्रकारिता होना बहुत जरूरी है यही चौथा स्तंभ है अगर ये स्तंभ हटा दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता समाज को उसका आईना दिखाई दिया जाएगा सब लोग अपनी बपौती समझ के चलेंगे और वाकई जो ओनीश दीक्षित जी अध्यक्ष कानपुर प्रेस क्लब ने कहा कि कहां गया मानवाधिकार जी कहां गए संविधान पत्र राज जो केंद्र दोनों में सरकारें आपकी पत्रकारिता किसी के तलवे का धूल नहीं है पत्रकारिता किसी के तलवे में छुपी हुई वो स्याही नहीं है जिसको आप कलम में भर करके चला देंगे पत्रकारिता स्वतंत्र आवाज है इसी कानपुर प्रेस क्लब से देश की आज़ादी लड़ी गई इसी कानपुर से बहुत बड़े बड़े नायक निकल के गए जो आज महाराष्ट्र की धरती पर बैठे हुए हैं मैं उन सब से अपनी बात जीएमडी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्नब जी के लिए आवाज उठाइए इस तरीके से अगर पत्रकारों की आवाज़ दबाई जाएगी तो ये बहुत बड़ा पत्रकारिता समाज पे बदनुमा दब्बा है जो आने वाले समय में हमको और आपको घर से निकलने के लिए परेशान कर देगा और हम लोग आवाज उठाएंगे और आवाज हम लोग की दबा दी जाएगी नहीं राहुल जी सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है जिस तरह से अवनीश जी ने भी कहा आपने भी कहा कि मानवाधिकार कहा है सबसे बड़ा सवाल मानवाधिकार आयोग के ऊपर भी उठता है कि जब किसी आतंकवादी या उस तरीके की गतिविधियों में लिप्त इंसान के ऊपर या आतंकवादी के ऊपर जब कार्रवाई की जाती है या किसी तरीके की देखा जाए तो चीज़ें होती हैं तब तो मानवाधिकार आयोग जो है वो तुरंत आ जाता है सामने उठ के कि इंसान इंसान होने के नाते उनके भी मानवाधिकार आयोग हैं मानवाधिकार हैं तो उस समय जब मानवाधिकार आयोग सामने आ जाता है तो प्रेस जो प्रेस की बात हम करते हैं जो रिपोर्टर्स की बात करते हैं संवाददाताओं की बात करते हैं जब आज़ादी यहाँ पे बात आती जब इन पर हमले होते हैं क्योंकि हमने अभी बीच में देखा कई जो कई संवाददाता कई या रिपोर्टर्स की बात करिए या मीडिया कर्मियों की बात करिए कहीं ना कहीं उन पर हमले भी लगातार होते आए हैं और आज भी हमले कई जगह होते हैं बस सिर्फ इसलिए ख़बर में आ जाते हैं कुछ प्रकरण कि कहीं पर आवाज़ उठ जाती है और कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आवाज़ दब जाती है तो ऐसे में सबसे बड़ा जिम्मा किसका बनता है कि हर एक मीडिया कर्मी को इंसाफ मिले देखिए सबसे पहले तो बड़ा अहम विषय यह है कि जिस तरीके से अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि अर्णब गोस्वामी जी को किस तरीके से ले जा रहे हैं वो मास्क लगाए हैं और देखिए एक आदमी उनके चेहरे पे हाथ लगा रहा है उनको बोलने का अधिकार उनसे छीन रहा है पहली चीज़ दूसरी चीज़ सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारे और हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो बट चुके हैं प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो फाड़ में बट चुका है कितना भी प्रयास कर लीजिए अगर आज एक पत्रकार के साथ अभद्रता हो जाती है तो कितने अनिष दीक्षित खड़े हो जाएंगे कितने राहुल मिश्रा खड़े हो जाएंगे कितने अनुराग जी खड़े हो जाएंगे ये एक अहम प्रश्न है जब कमी हमारे में ही है क्यों नहीं चौबीस घंटे के लिए हम लोग भी बंद कर दें पत्रकारिता दिखाना बंद कर दें जो नेता मोटी मोटी फाइल बनाते हैं अपने आकाओं को भेजते हैं ऊपर पद लेने के लिए टिकट लेने के लिए मंत्री सांसद विधायक चाहे कोई हो कोई भी हो वो फाइलिंग तो पत्रकारों की ही दी हुई रिपोर्ट की करता है जितने केस न्यायालय में जाते हैं जाते तो है सब प्रिंट लग करके उन्हीं के उस फाइलों में जो हम लोग छापते हैं जो हम लोग दिखाते हैं तो ऐसे में अगर हम लोगों के साथ ये हो रहा है तो हम लोग ही सुरक्षित नहीं है और हम लोग को मिलजुल करके आवाज उठानी चाहिए और इस विषय को यहाँ पे ठंडा नहीं कर देना चाहिए ये बहुत बड़ा विषय है तरीके से बात कर रहे हैं राहुल जी ने कहा कि आवाज उठानी चाहिए मीडिया कर्मी बढ़ चुके हैं ये बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है क्योंकि जब ये पूरा मामला सुबह से हो रहा है तो सिर्फ रिपब्लिक भारत इसको कवर कर रहा है रिपब्लिक भारत पे ये चीज़ दिखाई जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए जा तो हमारे इस जे चैनल पर ये चीज़ें दिखाई जा रही है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं लेकिन जब हम बात करें बाकी चैनल्स की तो वहाँ पर कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ता है कि लोगों ने अपने अपने स्तर को डिवाइड कर लिया है या आपसी रंजिश जो है वो सामने आ चुकी है क्या आपको नहीं लगता अवनीश जी कि ऐसे में अपनी आपसी मतभेद या टीआरपी के चक्कर में जो भी मतभेद रहे हों या चल रहे हों उनको भुलाकर प्रेस को एक साथ एकजुट होकर आना चाहिए एक मंच पे ताकि एक आवाज जाए कि इस तरीके की दमनकारी नीति जो किसी भी सरकार द्वारा चलाई जाएगी उसके खिलाफ हम एकजुट हैं अनुराग जी दुर्भाग्य का विषय है कि हम आज अमेरिका में सरकार बनवा रहे हैं जो रास्ता फ्लोरिडा होकर जा रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है भारत देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं जी क्योंकि पैसा हमें विदेशों में मिल रहा है एट्टी चैनल विदेशों चल रहे हैं मालिकान विदेशी हैं किसी को ये नहीं दिख रहा मुंबई में क्या हो रहा है मैं सभी बड़े चैनलों को कहता हूं सर चैनल में सुबह एक ही खबर चल रही है अमेरिका में किसकी सरकार बाया रास्ता फ्लोरिडा होके जा रहा है अमेरिका में किसकी सरकार फ्लोरिडा होकर रास्ता जा रहा है अरे मुंबई देख लो दिल्ली देख लो लखनऊ देख लो मालूम पड़ जाए सरकार किसके रास्ते होके जा रही है माताजी के इशारे पर ये पूरा काम किया जा रहा है कांग्रेस की इच्छा है भारतीय और ये शिवसेना का जो ये पूरा खेल है ये शिवसेना की देन नहीं है सिर्फ कांग्रेस की देन है ये कांग्रेस ने जिस तरीके से शिवसेना को आगे करके पूरा कांड करवाया है इसके लिए कांग्रेस के नेता भी जिम्मेदार हैं सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं और उद्धव ठाकरे भी जिम्मेदार हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हैं जो चाहे कर लेंगे वो ये भूल गए कि ये वही महाराष्ट्र है ये वही मुंबई है

क्या गलत है क्योंकि इमरजेंसी में हमने इस तरह के माहौल के बारे में सुना है कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके माहौल किया था बनाया गया था मीडिया पे बंदिश लगाई गई थी लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मीडिया हाउस एक आवाज़ उठा रहा है जनता को सच दिखाने की बात कर रहा है उसकी आवाज़ दबाने के लिए आप उसका मुंह दबाएंगे आप उसके साथ मारपीट करेंगे उसके परिवार के साथ मारपीट करेंगे अगर एक बड़े चैनल के एडिटर इन चीफ के साथ ये हो सकता है तो एक साधारण हम जो मीडिया कर्मी है किसी भी चैनल का किसी भी आ देखा जाए प्रिंट पत्रकारिता की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें क्या उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं हो सकता कई जगह यही तो नहीं चेत रहे हैं ये लोग मैंने आज सुबह सुबह भी किया इस बात पर जी कि जो इनके साथ हुआ उसके लिए हम लोग तैयार रहिए इतने बड़े पत्रकार के साथ हो सकता है तो कानपुर उत्तर प्रदेश और लखनऊ दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है आपको अमेरिका की सरकार बनवानी है बड़े चैनल्स को उनकी मजबूरियां भी हैं आर्थिक युग है मजबूरियां हैं लेकिन इतनी मजबूरी नहीं है कि अर्णब गोस्वामी के साथ कोई खड़ा ना हो पाए ठीक बात है किसी बड़े मीडिया हाउसेस के जीव एडिटर ने एडिटर ने अर्ण गोस्वामी ट्वीट नहीं किया सिर्फ राजनीतिक दल कर रहे हैं जो देश प्रेमी हैं वो लोग कर रहे हैं ने किसी ने भी वो खासकर कांग्रेस किसी व्यक्ति ने ट्वीट करके नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे तुमने गलत किया है तुमने प्रश्न पे हमला नहीं किया है तुमने पूरी पूरी ब्रांडरी पर हमला किया है तुमने मुंबई में ये जो किया है कि उसका उसकी जो असर जाएगा पूरे देश में जाएगा नहीं तो वो तो करेंगे कैसे अवनीश जी क्योंकि कुछ दिनों पहले रिपब्लिक पर ही हमने स्टिंग देखा था एक कांग्रेस के नेता वहां पर कह रहे थे कि पूरा प्लान किया गया है उद्धव सरकार ने अपने बंदों को छोड़ रखा है वहां पर लगा रखा है टीम को कि कहीं से भी खोज कर निकालो कोई ऐसा मुद्दा जिसमें अर्नब को फंसाया जा सके कई कोई भी ऐसा एस सिचुएशन क्रिएट करो कि अर्नब को परेशान करके रिपब्लिक को बंद कराया जा सके एक चैनल के पीछे इस तरीके से एक सरकार पड़ी हुई है ये तो स्टिंग ऑपरेशन

और सासु महाद्र ने जो इमरजेंसी लागू की थी उस वक्त मीडिया इतना हावी नहीं था लेकिन इसके बावजूद कानपुर से एक चिंगाई निकली थी और कानपुर से अखबारों ने सप्ताही अखबार निकलते थे जो उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था अब समय बदल चुका है सोनिया जी और उनके दत्तक पुत्र उद्धव तो ठाकरे समझ लें अब मीडियाकर्मी सड़क पर उतर चुका है उनके इमरजेंसी का उसी रूप में जवाब देगा मुंह तो जवाब देगा और नहीं मानते हैं उत्तर प्रदेश में करके देख लें कानपुर नगर में करके देख लें किस तरीके के दमन जो कर रहे हैं दमनकारी नीति दमन का कहीं ना कहीं हम लोग विरोध करना जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझो कि जो केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं अमित शाह जी राजनाथ जी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको नहीं दिख रहा है किस तरह की दमनकारी नीतियाँ चल रही हैं महाराष्ट्र में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा बहुत बड़ा सुभचिंतक है मानवाधिकार आयोग बहुत बड़ा बड़ा आयोग है लाखों करोड़ रुपए दन खाई जाती है काउंसिल ऑफ इंडिया में जो लोग मेंबर सदस्य हैं कानपुर से भी एक सदस्य हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ पत्रकारों की शिकायत आप करिए पत्रकारों को गर्दन काट देंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे कि जो शिकायत की वो कितना दूध का धुला है सब अपनी रोटी सेक रहे हैं सबको अपनी कुर्सी बचानी है पत्रकारिता नहीं हो रही है देश भर में अब चाटकारता हो रही है राहुल आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने आ रहा है क्योंकि कठपुतली है जब मुंबई पुलिस की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार की कठपुतली है अगर वहाँ की सीआईडी की हम बात करें तो वो कठपुतली है उद्धव ठाकरे सरकार की लेकिन एक सवाल आपको नहीं ये नहीं लगता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लान है सिर्फ उद्धव सरकार या राजनेता नहीं क्योंकि जिस तरीके से ड्रग की ड्रग रैकेट की बात उठाई थी रिपब्लिक इंडिया ने और अर्णब गोस्वामी ने उनकी टीम ने कि किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई हो रही है ड्रग्स का एक कारोबार चल रहा है काला कारोबार जो होता हुआ कहीं ना कहीं सारे ट्रैक मिल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत दिशा साल्यान के केस में और सबसे बड़ी चीज़ एक नेता का नाम एक नेता पुत्र का नाम इसमें आ रहा था आपको लगता है कि ये सारा जो प्रपंच रचा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आवाज़ को दबाया जा सके और अपने उस नेता पुत्र को बचाया जा सके देखिए मैंने कहा ना कि पत्रकारिता एक आवाज़ है और तीर से न तलवार से वक्त हो तो कलम की धार से कलम की धार को ही जब खत्म कर दोगे जब शाही को ही पत्रकार की खत्म कर दोगे जब उसकी स्वतंत्रता को ही खत्म कर दोगे जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को ही खत्म कर दोगे तो बचेगा क्या पत्रकार जो कि एक समाज का आईना ना उसको बोलने नहीं दे रहे हो जब बोलने नहीं दोगे तो यही होगा तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं चिताने का डराने का प्रयास हो रहा है और रही बात अगर बॉलीवुड की ड्रग्स की तो ड्रग्स तो बहुत मामूली सी बात है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेकर के डार्क वेब से लेकर के कितने किडनैपिंग केस हैं जो एक्टर एक्ट्रेसेस आज ठीक ठाक थोड़ा औहे पे हैं वो काम नहीं पा पाए तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया वो उस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये विषय तो ऐसा है कि बिल्कुल इस पर बोलते चले जाइए तो डिबेट का कोई अंत नहीं होगा लेकिन अगर पत्रकारिता का आलम ये है आज चौथे स्तंभ का आलम ये है वही भारत की भूमि जो गंगा जमुनी की तहजीब कही जाती है वही भारत की भूमि जो महामना की धरती कही, कही जाती है जो प्रताप अखबार के गणेश शंकर विद्यार्थी की धरती कही जाती है जो अखबार निकालते थे वो अपना अगर आज पत्रकारों के साथ ये है तो मैं पुनः कहूंगा कि हम सब पत्रकारों को आज एक हो जाना चाहिए चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक जितने सोशल मीडिया सब पत्रकारों को पोर्टल वाले भी सब एक हो जाएं और एक होकर के स्वतंत्रता की आवाज लगाए नहीं ऐसे पत्रकारिता चल नहीं पाएगी अवनीश जी जिस तरीके से एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जिस तरीके से ये दमनकारी नीति वहां पे अपनाई जा रही है जिस तरीके से मीडिया के ऊपर प्रहार किया जा रहा है आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर आप और आपका संगठन ये कानपुर प्रेस क्लब है आप और किस तरीके से आप लोग कोशिश करेंगे किस तरीके से आवाज़ को उठा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कैसे एकजुट करेंगे सारे पत्रकारों को इसके खिलाफ देखिए मैं और कहीं नहीं जानता लेकिन कानपुर नगर के बारे में जरूर जानता हूँ कि यहाँ का पत्रकार एक है चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो और मैं अपने कार्यकाल की बात करूंगा मेरे कार्यकाल में ऐसा जब जब कुछ हुआ है चाहे प्रदेश के अंदर हुआ हो देश के अंदर हुआ तब तक कानपुर प्रेस क्लब ने आवाज उठाई हो और एक नहीं से कई उदाहरण है आज भी हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला भी भूखने जा रहे हैं उन्हें बताने जा रहे हैं अगर आपके अंदर इतना ही अहंकार है इतना ही आपके अंदर सरकार चलाने का बूता नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए आप नहीं चला पा रहे हैं आप जो कर रहे हैं किसी के इशारे पर कर रहे हैं अगर सच दिखाना गुना है तो हम सच दिखाएंगे उसकी सजा चाहे जो भी मिले और सबसे बड़ी बात है जिस मुकदमे में आप लोगों को सब उठाए गिरफ्तार किया गया है वो मुकदमा दो साल बाद स्पेंट हो चुका है वो मुकदमा ही खत्म हो चुका है अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं था इतनी भत्तपिट गई करना कंगा रोहत को आपने घर गिरा दिया उसका आप ही तोड़ दिया उसके 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 ऊपर जान हमला करवा दिया आप करना क्या चाहते हो आप साफ कह दो भारतवर्ष में चीन की तरह मीडिया पर बैन लगा दो लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे आपकी हैसियत नहीं है अगर हैसियत हो लगा के देख लो उसका जवाब देख हम लोग तैयार बैठे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए जो तानाशाही नीति अपनाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार की ओर से जिस तरीके से आज पूरा ये प्रकरण सामने आया है प्रेस की आजादी को घुला गो, गो, घोटने की कोशिश की गई है प्रेस के गले को दबाने की कोशिश की गई है आवाज को दबाने की कोशिश की गई है आजादी और अभिव्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की गई है एडिटर इन चीफ रिपब्लिक इंडिया के अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके वो साफ जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं दमनकारी नीति जो है अपनाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार की ओर से और मुंबई पुलिस सिर्फ हाथों की कटपुतली बनी हुई है तो फिलहाल हम सबको एकजुट होना पड़ेगा सारी मीडिया को सारी जनता को इस तरीके की दमनकारी नीति से निपटने के लिए फिलहाल अवनीश जी आपका और राहुल आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो दर्शकों मीडिया पर प्रहार के इस खास इस आकलन में इस समीकरण में देखा जाए तो हमने बात की कि, कि किस तरीके से इस दमनकारी नीति को मिटाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा सभी मीडिया कर्मियों को सभी जनता को क्योंकि हम आपकी आवाज हैं मीडिया आपकी आवाज है अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा तो मतलब आम जनमानस की आवाज को दबाया जा रहा है फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहिए है न्यूज के साथ Please please we are requesting please corporate